एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। स्वच्छ दमोह, स्वस्थ दमोह, सुंदर दमोह के तहत सामाजिक एवं स्वैच्छिक संगठनों की पहल पर स्वच्छता ही सेवा का 23वां सप्ताह के तहत फुटेरा तालाब में श्रमदान किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं, आमजन मौजूद रहे। मालूम हो कि लगातार 23वें सप्ताह के तहत यह साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे स्वच्छ दमो हो, स्वस्थ दमो हो और सुंदर दमो हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। बोलो भारत माता जी, जगदम्बे मैया जी। रश्मि कोरी है, मैं MHW प्रथम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। हम लोग 23वां सप्ताह के अंतर्गत हमेशा श्रमदान के लिए आते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि जन अभियान के तहत स्वच्छता अभियान में अवश्य पधारें और सबका मिलकर सहयोग करें। हमें आयोजन करने वाले लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि पूजन सामग्री और ऐसी जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं जिससे जलकुंड दूषित हो रहे हैं, कृपया कर प्रतिमाएं छोटी बनाएं और पूजा पंडाल बनाएं और बहुत अच्छा आयोजन करें, जिससे सरोवर और तालाब कुंड दूषित ना हो और पूजन सामग्री को कृपया कर कुंडों में ही डालें। नंदन चक्रवर्ती, दमोह। 23वें सप्ताह श्रमदान कार्यक्रम फुटेरा तालाब पर किया जा रहा है, जो देवी जी का विसर्जन हुआ था। आदरणीय कलेक्टर साहब महोदय के आह्वान पर सारे सामाजिक संगठन यहां पर इकट्ठे हुए हैं और श्रमदान देकर तालाब को स्वच्छ कर रहे हैं। हमारे दमोह के लोकप्रिय कलेक्टर साहब आदरणीय कोचारी जी, दमोह विधायक आदरणीय मलैया जी, दमोह के सांसद राहुल सिंह जी के कुशल हमारे दर्शन में दमोह के सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा फुटेरा तालाब में जो गणेश जी और देवी जी प्रतिमा विसर्जन के बाद जो प्रतिमा इकट्ठी हुई थी, उससे तालाब में काफ़ी गंदगी फैली हुई थी। जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर पूजा पाठ करने के नहाने आते हैं, उन्हें दिक्कत जा रही थी। तो हमारे ऐसे दमोह के लोकप्रिय ऊर्जावान CMO साहब के कुशल मार्गदर्शन में, जनमेहन परिषद के आदरणीय नंद जी के नेतृत्व में हम सभी सामाजिक संगठनों ने आज फुटेरा तालाब में जो गंदगी थी उसको साफ किया है। और आपके माध्यम से हम आम जनमानस से अपील करते हैं कि वह अपनी पूजन सामग्री जलकुंडों में डालें और इस शहर को स्वच्छ साफ बनाएं।